पहली फिल्म है, सो ऑब्वियसली आई एम नर्वस एंड टेंस, एंड दिस इज ऑफिशियली पहला स्क्रीनिंग है गुड्डू की गन का. मैं पहली बार ये फिल्म देखूंगी आज, सो आई एम वेटिंग फॉर द ऑडियंस रिएक्शन बिकॉज ऑल द लेडीज आर गोइंग टू कम एंड वॉच द फिल्म टुडे. ऑब्वियसली देयर रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट सिंस इट्स अ वेरी वैकी कॉमेडी, सो आई वॉन्ट टू सी द जेन्युइन एंड वेरी इंस्टेंट रिएक्शन. So obviously मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ी सी टेंस भी हूँ, एंड एक्साइटेड तो ऑब्वियसली हूँ. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आई एम प्रेइंग टू गॉड दैट. जी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि ऑब्वियसली कुणाल खेमू इज अ स्टार एंड योर फर्स्ट फिल्म इज विद अ स्टार. यू आर गोइंग टू वर्क विद अ स्टार लाइक कुणाल खेमू इन योर फर्स्ट हिंदी फिल्म, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. और ये फिल्म मोर ऑर लेस 90% कोलकाता में इसका शूट हुआ है, सो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे शूट करना बिकॉज आई एम फ्रॉम कोलकाता, सो आई नो इन एंड आउट ऑफ कोलकाता, तो वहाँ पे मेरे लिए एक कम्फर्ट जोन था. बट हियर इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर एंड नाउ आई एम इन मुंबई, सो आई वॉन्ट एक्सप्लोर दिस सिटी मोर. पायल जी आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार निभाने वाले हैं? मैं एक्चुअली ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर सकती इस वक्त क्योंकि मैं कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा बोलूंगी तो स्टोरी बतानी पड़ेगी मुझे. तो मैं इतना बता सकती हूँ कि दिस गर्ल हर नेम इज काली एंड शी इज वेरी लवेबल, वेरी क्यूट, बट बहुत हम लोग ऑफिशियल मतलब एक कन्वेंशनली जिससे हम लोग बोलते हैं खूबसूरत बोलते हैं, ये लड़की शायद वैसी नहीं है. तो ये मेरे लिए एक और एक चैलेंज है कि सबको लगता है कि पहली हिंदी फिल्म है तो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस होना चाहिए कैरेक्टर, लेकिन मुझे लगता है कि कैरेक्टर बहुत एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लवेबल होना चाहिए टू द ऑडियंस. तो ये सब सारी चीज़ें इस कैरेक्टर में हैं, तो मैं फिलहाल कैरेक्टर के लिए इतना ही बोल सकी हूँ. और इसमें एक अजीब तरह की मतलब इनोसेंस है कैरेक्टर में, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर उसे कोई पसंद है तो वो बहुत सीधा बोलती है कि मुझे पसंद है, कोई नहीं पसंद है बहुत सीधा बोलती है कि नहीं पसंद है. तो ये ऑनेस्टी और इनोसेंस ये काली के कैरेक्टर में है और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर विल बी एक्सेप्टेड एंड लव्ड बाय जी. गुड्डू इज वेरी फेमस इन भाभीज, सो ऑब्वियसली भाभीज हैव कम टू वॉच द फिल्म एंड दे'ल डेफिनेटली लाइक गुड्डू. And they'll have a good time. सर कुछ बताएं गुड्डू की गन के बारे में. गुड्डू की गन, ये गन बहुत ही अनोखी गन है. हम लोग ने आप लोगों ने देखा होगा गन के ऊपर बहुत एक्शन फिल्में बनी है, थ्रिलर बने हैं, गैंगस्टर फिल्म बनी है, हमने पहली बार कॉमेडी बनाई है. तो ये कहानी का एक यूएसपी है कि गन के ऊपर क्या कॉमेडी है. सबसे जरूरी गन गन गन, तो गन ये वाली गन है. ये कौन सी गन है जी? हाँ, इसको प्यार से नुनू भी कहते हैं और डिंग डोंग भी कहते हैं. तो इस गन को, इस नुनू को, इस डिंग डोंग का जरूर देखने हैं. तो सर जैसा कि आपने बताया कि गन को नुनू भी कहते हैं, डिंग डोंग भी कहते हैं, तो ऐसा कभी लगा कि टाइटल लग जाएगा कि गुड्डू की नुनू? नहीं एक्चुअली वैसे अब आपने बोला गुड्डू की नुनू भी बड़ा प्यारा है. पार्ट टू हो जाएगा होपफुली. एक्चुअली क्या था कि मैंने अपनी नानी माँ को ये बताया कि जी मैं गन पे एक फिल्म बना रहा हूँ, तो उनको लगा हम लोग एक्शन फिल्म बना रहे हैं. तो एक्सप्लेन करने लगा तो मुड़के बोली नुनू पे पिक्चर बना रहे हो? तो उस टाइम तक टाइटल ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका था. तो मैंने कहा इस तरह के प्रोड्यूसर साहब हमें मारे, गुड्डू की गन ही रोने दो. गुड्डू की गन में एक बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, कैची एक फ्लेवर है. अगर उसको बिट्टू का लट्टू या गुन्नू का नुन्नू करते तो मुझे लगता नहीं वो वाली बात बनती. इसमें बहुत एक क्वालिटी है इसके. लेकिन कुणाल को कास्ट करने की वजह क्या थी? आप लगता है कि जस्टिस कर पाएंगे वो जो कॉमेडी सिनेरियो है उसमें? कुणाल एक बहुत ही सुपर एक्टर है. उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है कि वो कोई भी रोल, चाहे वो सीरियस हो चाहे वो कॉमिक हो, बहुत अच्छी तरह से करता है. और कॉमिक टाइमिंग तो उसकी इंपेक्टेबल है. अगर आप उसकी गोलमाल या गो गोवा गॉन देखें, इज डन ए ग्रेट जॉब. तो प्लस लुक वाइज ऑल्सो, पर्सनैलिटी वाइज, कॉमिक टाइमिंग वाइज वो हमारी फिल्म में फिट बैठता था. क्योंकि कहानी एक बिहारी की है, एक वॉशिंग पाउडर सेल्समैन है जो कलकत्ता में रहता है और औरतों के भाभियों के घर जाके वॉशिंग पाउडर बेचता है. तो वो ओवरऑल हर एंगल से वो फिट बैठा फिल्म के अंदर. तो इसलिए हम लोगों ने उसको इंस्टेंटली सोचा कि कास्ट करें. और ज्यादातर एक्ट्रेस नहीं है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कितना कैरेक्टर बनेंगे व्यूअर्स को? देखिए जो भी कास्टिंग हुई है वो कैरेक्टर के हिसाब से हुई है. हमें ऐसा लगा कि अगर हम किसी एस्टैब्लिश नेम के साथ जाते तो शायद वो एक प्री कंसीव नोशन ऑडियंस का हमेशा रहता है. तो इसलिए जब हमने कास्ट किया तो हम बहुत क्लियर थे कि हमें एक फ्रेश फेस चाहिए था. उससे एक फिल्म में भी एक फ्रेशनेस आती है, ऑडियंस लुक फॉरवर्ड भी करती है.
और ऑडिशंस के टाइम भी बड़ा मजा आता है। वो इसलिए कि जो भी ऑडिशन के लिए आया करता था वो कहता था कि अरे यार सब्जेक्ट क्या है, तो जैसे ही हम गुड्डू की गन बोलते थे लोग भाग जाते थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास किया और इसलिए वो कास्ट है। और हमारी कास्टिंग में हमने बहुत मेहनत की है, हमारे आधे एक्टर जो है क्योंकि फिल्म कलकत्ता में बेस्ड है तो वहाँ पे कलकत्ता में एज इट इज इतनी अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है, इतने अच्छे एक्टर्स हैं वहाँ पे, तो हमने आधे एक्टर्स कलकत्ता के हैं, आधे एक्टर्स यहाँ के हैं। पायल ने फिल्म में हिंदी फिल्म में डेब्यू किया है, वहाँ पे वो बिग स्टार है अपना कलकत्ता में, कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री में। तो इट्स अ मिक्स ऑफ बंगाली एक्टर्स एंड बॉलीवुड एक्टर्स, आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ एनसेंबल टू लुक फॉरवर्ड। फिल्म में म्यूजिक काफी मायने रखता है, कोई हैपनिंग म्यूजिक है, कोई हैपनिंग गाना है इस फिल्म में? जी, धाए धाए धन गुड्डू की गन, वो हमारा टाइटल ट्रैक है, हमें बड़ा पसंद है। और आई थिंक इस फिल्म का म्यूजिक ऐसा है कि जब आप फिल्म देखेंगे तो आप म्यूजिक को और इन्जॉय करेंगे। जो आजकल के जैसे गाने चल रहे हैं उससे थोड़ा हटके है म्यूजिक। अच्छा। बहुत ही सिचुएशनल है। एक कवाली है जो एंड में आती है जो बड़ी मजेदार है, एक बहुत ब्यूटीफुल लव सॉन्ग है रहबरा, वो भी बहुत अच्छा है। और कोई भी फिल्म आइटम नंबर के बिना कम्प्लीट नहीं होती, तो हमारी स्पेशल आइटम गर्ल है जिनको हम लंदन से लेके आए हैं, लिसी हैंगार्ड, तो वो एक डिंग डोंग करके गाना है, तो वो डिंग डोंग में है, तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आप उसका मजा लेंगे। आपने बताया कि ये जो बड़ी अनोखी फिल्म है, ऐसे पता कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में कोई आई है, उसका आइडिया कैसे आया, मतलब क्या रियल लाइफ से लिया गया है, बताया किसी और को देखो लिया गया है? नहीं, एक्चुअली पता क्या खा के या पी के सोया था मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरे को सपना आया और सपने में मेरे को यह है कि जो मेरी गन थी वो सोने की उतरी थी, तो मैंने सुबह उठ के शीर को फोन किया, मैंने बोला कॉलेज पे भेज दे और मैंने कहा यार बड़ा जैसा एक सपना आया, तो कहने लगे कि यार क्यों ना इस पे एक कहानी लिखी जाए। तो मजाक में ये बात शुरू हुई और हमने कहानी लिख दी, और हमें कभी यकीन नहीं आता था कि हमें कोई ऐसा प्रोड्यूसर मिलेगा जो इस कहानी को बनाएगा या कोई एक ऐसा एक्टर मिलेगा जो इसको करेगा। लेकिन जहां भी हम जाके हमने ये पिच करना शुरू किया तो लोगों के रिएक्शन बड़े कमाल थे, तो हमें लगा कि कुछ स्पेशल है। और जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको एक फैमिली फिल्म बनानी थी, स्विट्जरलैंड की लोकेशन और ये वो, तो जब हमने उनको ये बताया तौबा तौबा हम तो भाग रहे हैं, और जब हम कुणाल को कॉन्टैक्ट करने लगे तो ना उसने हमारा फोन उठाया ना उसने SMS किया, बड़ी मुश्किल से हम उनके तक पहुंचे। और जब आई थिंक फर्स्ट टाइम मिले तो उन्होंने बोला भैया वो दरवाजा है प्लीज जाइए, और फिर उनका फोन आया कि अच्छा स्क्रिप्ट छोड़ जाइए, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्होंने हाँ की एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट। लेकिन फैमिली के साथ देख सकते हैं ये फिल्म को अगर? जी, आप ये खुद भी देखें और आप फैमिली के साथ भी देखें और फिर एक बार और फैमिली के साथ देखें, अलग अलग बैठ के भी देख सकते हैं, चुप चुप के देख सकते हैं, बट डाउनलोड मत करिए, बस यही मैं बोल रहा हूँ, हॉल में जाके देखिए। अब तो भाई सामने यार सामने देखो आप।